आप सबों को जय मसीह की। मैं बिहार से पास्टर राज मसीह बोल रहा हूँ, बक्सर जिला के रहने वाले। बक्सर से 20 किलोमीटर दूरी पर मैं सेवा करता हूँ, सिमरी गांव में। और यहाँ पर 27 तारीख से ही बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहा है, लोग अशब्द बातें बोल रहे हैं, और कई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। साथ ही में 28 तारीख को बहुत सारे फ़ोन आए, अशब्द बात, अभद्र गालियाँ लोग दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी गालियाँ लिख करके भेज रहे हैं, पता नहीं कैसे नंबर मिल गया है। और साथ में कल शाम को मैं एक विश्वासी के साथ बाज़ार में सब्जी खरीद रहा था, उतने में कुछ लोग आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ करके मोटरसाइकिल पर बैठा कर 1 किलोमीटर दूर एकांत में ले जाकर वहीं पर मारे और धमकाए कि आज के बाद चर्च नहीं चलाना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। और आज 29 तारीख को बहुत सारे फ़ोन के द्वारा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है और मैं बहुत संकट में पड़ा हूँ। इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं कर रहा है। कुछ विश्वासी यहाँ पर हैं जिसको गांव के लोग दबाव दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, नहीं कुछ करना है। अब आप ये लोग बताइए कि मैं क्या करूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लोगों से ये तक बोला हूं कि अगर मुझे जान से भी मार दो तब पर ही मैं यीशु के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अब प्रार्थना आप कीजिए, साथ में हमें और सहायता की ज़रूरत है, और मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं प्रभु यीशु की सेवा को और प्रभु की इच्छाओं को पूरा कर सकूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दिन भर बातचीत हो रही है, दिन भर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, उसमें आपकी सहायता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग ज़रूर मेरी मदद कीजिए। आप लोग ज़रूर मेरी मदद कीजिए। मैंने एक छोटा सा ऐसे वीडियो बनाया है ताकि आप मेरे दुख को समझे, दर्द समझे। मैं अकेला हो गया हूँ और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जिसने यहाँ पर मुझे पकड़ा, ले जाकर के मारा गुस्से गुस्से और पेट में भी मारा है ना, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु यीशु के नाम से सह लिया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग और बाहर से आने वाले हैं, बोले हैं, धमकी दिए हैं कि 2 तारीख को साथियों प्रेज द लॉर्ड। एक बार और राष्ट्रीय विश्वासी महासभा के मंच के द्वारा मैं भाई राजमसी, जो कि बिहार राज्य के बस्तर ज़िले से हैं और उनका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आप तत्काल वहां के जिला दंडाधिकारी, जिन्हें हम DM कहते हैं, वहां के कलेक्टर महोदय के पास अपना आवेदन दें, SP साहब के पास अपना आवेदन दें कि कौन लोग और कौन कौन संगठन के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और हम आपका वीडियो कई चैनलों पर अपलोड करते हैं। अगर राज मसीह ब्रदर आपको और आपके परिवार को अगर किसी प्रकार से हानि, जान मान की हानि होती है, किसी प्रकार की क्षति होती है, आपके साथ किसी प्रकार की मारपीट होती है, तो आप अभी पहले से ही उनके सारे नाम लिख के तत्काल आप आवेदन TI साहब के पास में, SP साहब के पास में और कलेक्टर साहब के पास में दे दीजिए। अगर कुछ भी आपको हानि होती है, कुछ भी आपके साथ में परेशानी होती है, और अगर आपकी सुरक्षा तत्काल नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय विश्वासी महासभा तकरीबन 250 बड़े बड़े YouTube चैनल पर आपका वीडियो वायरल करेगी और वहाँ के CM से, CM लाइन से आपके लिए तत्काल बात करेगी। आप बिल्कुल मत घबराइए, सारा मसीह समाज, संपूर्ण भारत का मसीह समाज आपके साथ में है। पर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों वायरल करो ताकि हमारे भाई को सांत्वना मिले, हिम्मत मिले, हम सब उसके साथ में हैं और प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ में है। जय मसीह।